जो छोटे पपीज या किटन होते हैं उनकी जो मदर होती है वो उनको लिक करके, जो उनका पॉटी करने वाला पार्ट होता है और जो उनका यूरिन करने वाला पार्ट होता है वहाँ पर लिक करके वो उनको पॉटी और सुसु करवाती है। तो अभी इसकी माँ तो इसके साथ नहीं है, तो इस वजह से मैं एक कपड़े का, सॉफ्ट से कपड़े का पार्ट हल्का सा गीला करके ऐसे रब कर रही हूँ ताकि ये सुसु और पॉटी कर सके। आप एक जो ईयरबड होता है जो जैसे हम अपना कान वगैरह साफ़ करते हैं उसकी हेल्प से भी आप उसको भी ऐसे ही आप हल्के हल्के से रब करके आप बच्चे को पॉटी और सुसु करवा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। ये देखिए, तो अगर आपके पास छोटा सा पपी या छोटा सा किटन आए तो उनका आप ध्यान ऐसे ही रख सकते हैं।